मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी 75% वायुसेना की तैनाती भारतीय सीमा पर कर दी थी। यह खुलासा पश्चिमी वायुसेना के चीफ एयर मार्शल पीके बारबोरा ने नए एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक ने जब कार्यभार संभाला आज तो इस मौके पर ही उन्होंने खुलासा किया और बारबोरा वायुसेना के वाइस चीफ के रूप में सोमवार को अपना कार्यभार संभालेंगे। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने हमला मुंबई पर किया था, लेकिन दिल पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों के कांप रहे थे। चोरी और सीना चोरी करने वाले पाकिस्तान के दिल में डर था कि भारत उसे मजा चखाने के लिए सख्त कदम उठा सकता है। लिहाजा उस वक्त से ही पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की 75% ताकत को भारत से सटे सीमा पर तैनात कर दिया था। ये खुलासा पश्चिमी वायुसेना कमान के प्रमुख एयर मार्शल पीके बारबोरा ने किया है। Over the period of time after 26/11, that we saw a gradual build-up of Pakistan Air Force across Western Air Command area of responsibility, close to over 75%. So they obviously were scared of the potency of Western Air Command and Indian Air Force as a whole. The reasons they know best, but we never tried to up the ante. इस बीच Air Chief Marshal P.K. Naik नए वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। दिल्ली स्थित वायुसेना भवन में एयरफोर्स के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुए समारोह में उन्होंने फौली एच मेजर की जगह पेट भराया कि मुंबई हम अपने साथ थे। विच गिव्स अस ग्रेट विजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉन्चिंग एयर ऑपरेशंस इन सेफ गार्डिंग द इंडियन सॉवरेन स्काइज and keeping us aware of what is happening around us. बात चाहे पाकिस्तान के बिगड़ते हालात की हो या चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का, भारतीय फौजों को दोनों ही मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना लेह और उत्तर पूर्व के अग्रिम मोर्चों पर लड़ाकू विमान सुखोई की तैनाती कर अपनी तैयारियों को चाल चौबंद कर लेना चाहती है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन शिवराज के साथ मंजीत नेगी।